धक्का दे लेंगे ना, एक घंटे के लिए लापता, डेढ़ घंटे के बाद हम दो घंटे में नहीं आएंगे भैया, हम खजल पार्टी हैं, बस हमें ढूंढो। आई विश कि मुझे कहीं ऑफ रोड, ओह माय गॉड, देखा कैसे चल रहा था यार बेवकूफ गधा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप सब, होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है अननोन लोकेशन से। इसको तो आपने भी मेरे व्लॉग में पहले देखा होगा, ये फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे व्लॉग में, ये कजन्स है सारे, ये थर्ड पर्सन। और आज देखो हमारे कितने हेलमेट है, 1, 2, 3, 4, बट बाइक के पता कितनी है। तो ये हमारे पास दो बाइक है आज, एक है एक्सपल्स अपनी और सेकंड वन इज इंची भाई स्प्लेंडर। तो आज पता क्या इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इन दोनों के बीच में ड्रैग रेस लगने वाली है एंड लीन चेक किए जाएंगे दोनों के ऊपर। और अभी हमारा व्लॉग कुछ ऐसी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, सीसी है और वो स्टेनलेस सीसी है, ये भी देख लेना भाई, डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर, राइडर के ऊपर कैसे चलाते हैं, डिपेंड नहीं करता बिल्कुल, नहीं एक्सपीरियंस चलने पे डिपेंड करता है। आप मेरी वाली चला लेना, मैं आपकी चला लूंगा बीच में, ठीक है? पता है डिपेंड करता है कि राइडर कैसे उसको ट्रीट करता है, चलाते हैं, बीच में हम गाड़ी चेंज करेंगे तब देखते हैं, क्योंकि हम बाइक्स बीच में चेंज भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं फिर कोई प्रॉब्लम, ओके। ये हमारे बड़े भाई सबसे परवेज भाई फ्रॉम पुंछ, पहली बार हमारे व्लॉग में आ रहे, कुछ कहना चाहोगे? अरे बड़े चलो खैर गाइस, इसमें मैं कुछ भी एडिट नहीं करूंगा, जैसा भी व्लॉग बनेगा मैं वैसा पूरा डालूंगा, ओके। तो आज मेरे कजन्स की रियलिटी देखना, सब कजन के साथ आया और क्या, इसमें सबसे शायद ये, बट आज मैं इन्हीं को ज्यादा लाऊंगा। सेकंड वन इज तजमल, जिसको आपने बार बार तो देखा है, एंड थर्ड वन ये भी फर्स्ट टाइम आया। तो गाइस हम करते हैं अपना सफर स्टार्ट, पहले यहाँ से बाइक, मैं यहीं से थोड़ा सा ऑफ रोड स्टार्ट करता हूँ गाइस, यहाँ से मैं थोड़ा सा मतलब इस एक्सपल्स को चढ़ाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा ऑफ रोड, ओके। तो रेडी हो गाइस देखने के लिए ऑफ रोड मेरा थोड़ा सा। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट ऑब्स्टेकल है जो मैं अपनी एक्सपल्स पे ट्राई करूंगा, और ये भाई भी अपनी स्प्लेंडर पे ट्राई करेंगे, ओके। और ये काफ़ी डिफिकल्ट है, पता क्यों? एक तो देख लो कितनी हाइट है इसकी, लुक एट दिस, एंड सेकंड चीज़ कि यहाँ से जब नीचे लैंड करेगा यहाँ पे भी खड्डा है, मतलब नीचे आराम से नहीं बैठेगी। लोजर है ये, लोजर की फाइट ही नहीं है नीचे से, बिल्कुल भी मेरे लिए तो वो होगा। मैं ये भी चला के यार, मानना पड़ेगा, देख अब बाइक मैटर मत करती, राइडर मैटर करते हैं, ले रहा है बाइक के नहीं, बिल्कुल गट्स होने चाहिए सिर्फ, सही बात है। आप इनसे एक्सपीरियंस शेयर करें, बस को टक्कर देनी है पूरी, ले आए के नहीं, टक्कर पूरी देनी है स्टंट में किसी वाले लाइक करो। सो फाइनली गाइस देख लिया, मतलब बाइक्स मैटर नहीं करती है, मैटर करता है एक्सपीरियंस चलाने वाला कैसा होना चाहिए। जहाँ से मैं एक्सपल्स भी ले आए वहाँ से ये अपनी स्प्लेंडर भी ले आए, ओके। तो अब हम चलते हैं अपनी राइड कंप्लीट करते हैं। आज का हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं मानसर स्विंसर की तरफ, देखते हैं अब दोनों के बीच में हमारी ड्रैग भी हो जाएगी। ड्रैग तो मुझे पता है ये एक्सपल्स ही जीतेगी क्योंकि उसका सीसी बड़ा है। सेकंड चीज़ हम इसमें मतलब क्या करेंगे, कॉर्नरिंग चेक करेंगे कि किसकी बेस्ट कॉर्नरिंग है, और जहाँ हमें ऑफ रोड मिलेगी वहाँ हम ऑफ रोड ट्राई करेंगे, ओके। बाकी व्लॉग आप कंटिन्यू लास्ट तक देखना क्योंकि बीच में कुछ भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, ओके। क्या बोलते होते चमन भाई? बिल्कुल हम रेडी हैं, चलो ओके ब्रो, आगे का सफर शुरू करें। सो टू बी कंटिन्यू, फाइनली गाइस अपना हमने मोटो व्लॉग सेटअप पहन लिया है, तो मैं चलाने वाला हूँ अपनी बाइक एक्सपल्स, एंड ये भाई तजमल भाई अपनी चलाने वाले हैं स्प्लेंडर। तो ये रोड आपको मैंने बता दिया है, ये है मानसर स्विंसर की रोड, तो इस पे होने वाली है इन दोनों की ड्रैग रेस और लीन चेक की जाएगी। हाँ मैंने कहा ना वहाँ बाइक मैटर नहीं करता है, वहाँ राइडर मैटर करता है, ये 200 सीसी है, वो शायद 100 सीसी है, स्किल मैटर करते है मेरी जान। मैंने कहा ना हम राइडर भी एक्सचेंज करेंगे, आप ये चला लेना मैं आपकी चलाऊंगा, बट चलाना इस लिमिट तक ताकि किसी का नुकसान ना हो, जान क्योंकि अपनी है, चलाओ इतना रिस्क नहीं लेना है क्योंकि हमें कोई अवार्ड नहीं देने वाला है, ठीक है? हम मज़े के लिए चला रहे हैं, ठीक है सर? इसको हेलमेट पहना दो क्योंकि हम राइडर ऐसे बंदे हैं कि रूल के मुताबिक चलते हैं, हेलमेट पहनाओ, दिस इज़ नेसेसरी, ओके। हम ना किसी को गलत गाइड करते हैं ना खुद गलत चलते हैं, क्योंकि रोड वैसी है यार,
हम इस टाइम टू व्हीलर चला रहे हैं, कोई अगला बंदा हमारी तरफ ध्यान से नहीं चलता, कोई रफ भी चल सकता है। ओके बिस्मिल्लाह करते हैं गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको आगे जाने देते हैं क्योंकि इनका सीसी कम है, मेरी 200 सीसी है, इनकी 100 सीसी है, 100 सीसी का फ़र्क है। बट मैंने आपको बताया यहाँ चेक करता है क्या एक्सपीरियंस। तो भाई द वे अभी भाई अपने तो मज़े से चला रहे हैं, चलो जाने दो इनको पहले आगे, हम पहले इनके पीछे पीछे चलेंगे, इनकी राइडिंग स्किल्स चेक करेंगे कि ये कैसी बाइक चलाते हैं। भाई द वे आई थिंक टॉप एंड दोनों को बढ़ा दें, चलो आप हम भी इनको बीट करते हैं गाइस। परवेज भाई डर तो नहीं लग रहा है? ओके कंफर्टेबल होके बैठना, इनको हम थोड़ा सा बीट करते हैं। तो गाइस करूँ इसको मैं पीछे या इसको फिलहाल आगे चलने दूं? यार डेंडी कर रहे हैं यहाँ पे कसम से, देखो इस टाइम मेरे को यहाँ 20 की स्पीड में लो करनी पड़ी। ये क्या कर रहा है, इसको देख रहे हो गाइस? बस मोड़ में बाहर ना चली जाए ज्यादा, मुझे उस चीज का डर है, अपना भी और उसका भी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस रोड के ऊपर बाइक राइड कर रहा है पर मुझे भी इस बाइक का एक्सपीरियंस नहीं है। वाओ नाइस, कसम से लीन मारने का मजा, ओ माय गॉड कम ऑन। भाई क्या हो गया? ओ भाई मोड़ में आराम से चलो भाई, गाड़ी बाइक बाहर नहीं निकालना। परवेश भाई देखा मोड़ से बाहर चले गए थे भाई, इसको मैंने कहा भी रिस्क नहीं लेना क्योंकि हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। बाय द वे इस बाइक का एग्जॉस्ट ना काफी अच्छी साउंड कर रहा है, बस मुझे इसका एक ही डर लगता है, ये बंदा ना लेन मारते हुए बाहर जा रहा है बहुत। निकाल लो इससे आगे, क्या बोलते हो गाइस निकाल लो? निकाल ली गाइस लीन में इसकी बच गई, मुझे बीट करने की कोशिश कर रहा है पर मैं सारा एडवेंचर करने में, आई विश कि मुझे कहीं ऑफ रोड। ओ माय गॉड देखो कैसी चल रहा था यार बेवकूफ गधा, यार टू व्हीलर होके हम अपनी साइड चल रहे हो और ये देखो इसने कितना रैश किया। भाई आप वो मेरे से आगे नहीं निकल सकते जब तक मैं उनको चांस ना दूं निकलने का, बस मेरे को इतना डर है कि वो कहीं रैश ना करे, इसलिए उनको मैं एक बार फिर से आगे निकलने देता हूँ और फिर से उनको मैं चेज करता हूँ। ओके उनको निकलने देता हूँ, आगे निकलो, आप देखो इसको मैं कैसे चेज करता हूँ। उसको एडवांटेज दे दिया फिर से गाइस, 100 सीसी की बाइक है और मेरी 200 सीसी की, बस इसमें मैं चेक करूँगा लो है यार, मैं इसमें चेक करूँगा लीन कौन कंफर्टेबल होके मारता है। वेलकम टू सुरीन सर। अब गाइस रुको रुको रुको, सुरीन सर लेक एंड मान सर हैवी व्हीकल नॉट अलाउड, यहाँ से चलते हैं सुरीन सर भी देख लेते हैं, फिर हम सुरीन सर की तरफ जाते हैं, मान सर की तरफ जाते हैं। गाइस तो ये है सुरिंसर लेक, ऑसम व्यू और हमारी राइड भी मस्त रही, मतलब ये बहुत कंफर्टेबल है हिली एरियाज के लिए। और अगर मैंने कहा ना बाइक मैटर नहीं करती स्किल मैटर करती है, तो लीन मारने के लिए भी स्किल ही मैटर करी। आप आगे चलो आगे वहाँ पे जहाँ पे वो बनाया हुआ है इन्होंने, तो कुछ ऐसा व्यू है इस टाइम सुरिंसर लेक का। पहले अपना रिव्यू बता, क्या कैसा लगा तेरे को? नहीं ड्रैग में तो निकली आप आगे में से कि नहीं? ड्रैग में तो निकला था बीच में, चक्कर ये 200 सीसी स्टन सीसी जिसके हिसाब से मुकाबला हो रहा है ना उसके हिसाब से बहुत चक्कर दे रही है। ये तुम्हारा फेस पूरा रेड हो गया गर्मी की वजह से, हो गया हेलमेट लगा। सेम एयर मेरा हाल भी देखो कैसा हो गया भाई, क्योंकि गर्मी जम्मू में बहुत ज़्यादा है, इस टाइम 40 डिग्री टच हो रहा है जम्मू में,
तो अभी हम पहुंचेंगे कुछ ऐसी लोकेशन पे, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ओके, बाय द वे वो एक्सपल्स विनर है, ठीक है? कैसे कैसे सीसी के साथ है ना? वैसे तो विनर है, वैसे ही विनर है, बिल्कुल। क्या है अंकल जी, ठीक हो? व्लॉग बना लूँ ना आपका? ये ज़्यादा वो तो नहीं है, टूटने वाला, गिर तो नहीं जाएगा ये? गिरेगा तो नहीं जा सकता, क्योंकि तारे लगाई हुई ना यहाँ पे। हेलमेट पहन के यार बाल खराब हो जाते, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ का व्यू दिखाओ भाई, इस तरह किश्ती का बता दो यार, इसको पकड़ के लेके चले एक पानी में। A few minutes later. Guys, यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, किस किस के बीच में? इन दोनों भाई के बीच में। एक कह रहा है मुझे एक्सपल्स में बैठना है, दूसरा कह रहा है मुझे बैठना है। आप बताओ आप दोनों में से किसको बैठना है, आपको बैठना है कि आपको बैठना है? ओके चाचू चलते हैं। तो गाइज अब हम चल रहे हैं मानसर की तरफ, यही सीधा रोड जाता है। मानसर कितना है यहाँ से? 15 किलोमीटर, हाँ एक्यूरेट बताया। आ जाओ। 2000 years later. So finally guys, हम पहुंच चुके हैं मानसर लेक के पास और इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है किसके रिलेटेड। एक बाइक वाला इनको बहुत गलत तरीके से पास कर गया, मतलब बहुत मुश्किल से बचे हैं। तो हम अभी पहुंचे कुछ ऐसी लोकेशन पे, यहाँ से बोटिंग करेंगे। तो गाइज ये रही बोट्स, अब बात करते हैं क्योंकि यहाँ बारगेनिंग करनी ज़रूरी है। बाहर के टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा लूटते हैं यहाँ के, हम लोकल से अब पूछते हैं। हाँ ये लाइफ जैकेट्स पहनी है अंकल जी, बोटिंग कितना? अच्छा उधर से चार बंदे, आधा घंटा करना है, एक घंटा। सबके नाम लिखने हैं, एक अयाज, ए वाई ए जेड। यहाँ फिक्स ही रेट है कि ऊपर नीचे होता है? कितना है? आधा घंटा 200। घंटे का? घंटे का कुछ काम नहीं, लोकल्स को कुछ नहीं देते? लोकल्स का कुछ नहीं देते हो कम से कम? आधे घंटे का कितना कम से कम? कपल कौन है यहाँ पे? तू भाई घंटे का 300, मतलब कपल्स को भी माफ नहीं है। घंटे का 300 है, कपल्स को बराबर होना चाहिए। घंटे के 300 रुपया घंटे का, घंटे का दे दो 300। जोड़ी सेट है, कपल तेरे को अलग से दे देते हैं, ठीक है? ये आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस हमने एक घंटे का रख लिया है, ठीक है? तो कोई भी आए बार्गेनिंग करना तो जरूरी है, 300 रुपया पर आवर, ठीक है? कोई बात नहीं, ये है क्या? ये अब मैं क्या बोलूँ, इस टाइम वीडियो बन रही है, नहीं तो मैं बताता। इसकी जिप कहाँ है भैया? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? यास भाई जा रहे हैं मारने के लिए, ये हैं परवेज भाई। खुद ही भैया इनको नहीं आती, चलेगी इनको नहीं आती है, इधर से नहीं चलेगी। चलो कोई बात नहीं, ये भी भाई यहाँ बैठे बैठ, धक्का धुक्का दे लेंगे उतर के, धक्का दे लेंगे ना। एक घंटे के लिए लापता, डेढ़ घंटे के बाद हम 2 घंटे में नहीं आएंगे भैया, हम खजल पार्टी हैं, बात हमें ढूंढो। नीचे रख पाऊँ यार, ऑसम व्यू गाइस। बाइक राइडर ये और मैं थे, और इस टाइम बोट राइडर ये दो है, ठीक है? और मछलियां भी है ना इसमें, बाबा मछली से ना यार, वाओ व्हाट अ व्यू गाइस, किक मारते बहुत मजा आ रहा है, स्प्लेंडर चला रहे हैं ना। ये देखो मछलियां भी आ रही है प्यारी प्यारी। और गाइस अभी हम पहुंचे हैं मानसर लेक के सेंटर में, और इस टाइम हम बोटिंग कर रहे हैं। 1 घंटे की बोटिंग हमने ली है गाइस, बट हमें चलाने नहीं आ रहे। अब पता नहीं मैं पैडल सीधा मार रहा हूँ उल्टा मार, हाँ उल्टा मार रहा हूँ। ड्राइवर है दो, एक इधर से चला रहे हैं, एक गाइस मेरा वाला ड्राइवर थक गया है इसलिए अब मैं दोबारा चला रहा हूँ, बट मैं उल्टा चला रहा हूँ। टाइम तो हमने लिया बोट वालों से 1 घंटे का, बट हम उनको देंगे 3-4 घंटे के बाद बोट वापस, बिकॉज अब हमें चलाने नहीं आ रहा, हम थक गए हैं। हम ये बस रास्ते में रोक लेंगे बीच सेंटर में, दरिया के की ये क्या बोलेंगे, लेक के बीच में, और बस वहाँ जाके बैठे रहेंगे आराम से। ये हमें रेस्क्यू करने आएंगे खुद ही। A few minutes later. So finally guys, ये था हमारा आज का व्लॉग।
और मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खाओ पियो, मस्त रहो, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।